जय श्री राम मित्रों, दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय साधना मार्ग में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि राम नाम का जब 125,000 जाप पूरा हो जाता है तो साधक को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसके क्या क्या अनुभव होते हैं। दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों और साधु संतों और उच्च कोटि के साधक और हमने जो खुद अनुभव किया है वो आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों जब तक कोई चीज आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते तब तक आप उसका सही तरह से निरीक्षण नहीं कर सकते हैं कि यह अनुभव सही है या नहीं है, क्योंकि हर साधक का, हर संत का या फिर जो भी राम नाम का उपासक है उनके अनुभव अलग अलग होते हैं। दोस्तों जब आप राम नाम के 125,000 मंत्र का जाप करना चाहते हैं या फिर आप करने की सोच रहे हैं या फिर आप बहुत दिन से मन बना रहे हैं लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको राम नाम के 125,000 मंत्र का जाप करना है तो सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना होगा, क्योंकि संकल्प में वो शक्ति विद्यमान होती है जो कि आपको समय से ठीक समय पर उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको वो बल प्रदान करती है। दोस्तों यह इस संकल्प के अधीन ही यह सारी प्रकृति है, जैसा आप संकल्प करते हो वैसा ही आपके नेत्रों के सामने दृष्टि गोचर होने लगता है। दोस्तों जब हमने राम नाम के 125,000 मंत्र का अनुष्ठान किया, हमने 11 दिन का अनुष्ठान किया था और आप 11 दिन का भी कर सकते हैं, 21 दिन का भी कर सकते हैं, 41 दिन का, जैसे आप पूरा कर सके उस हिसाब से आप अनुष्ठान ले लें। दोस्तों ज्यादातर 11 दिन का जो अनुष्ठान होता है वो सबसे ज्यादा आपको फल और अनुभव प्रदान करता है और बहुत जल्दी ही आपकी शक्तियों को जागृत करता है, लेकिन 11 दिन का अनुष्ठान करने के लिए आपको एक जगह पर 2.5 घंटे बैठने का नियमित अभ्यास होना चाहिए, जब आप राम नाम की 108 माला एक दिन में कर सकते हैं। दोस्तों एक दिन में आप 108 माला करोगे जब जाके आपका 11 दिन में राम नाम का 125,000 यानी कि 125,000 जाप संपूर्ण होगा। दोस्तों जब साधक का दूसरा दिन या फिर दूसरा दिन जब राम नाम जाप का चलता है तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे वह उसे राम नाम से अठाना चाहती हैं, जैसे उसके अंदर किसी चीज का लोभ आएगा, जैसे कोई वस्तु है या फिर वो पढ़ाई कर रहा है या फिर किसी चीज के लिए प्रयत्न कर रहा है और वह उसे छोड़कर राम नाम के जाप में लगा है, अनुष्ठान कर लिया है, तो आपको जो आपका मन है उस तरफ आपको आकर्षित करेगा, आपको वह जाप करने से रोकेगा क्योंकि यह मन नहीं चाहता कि यह मर जाए, क्योंकि जब राम नाम की मार इस मन के ऊपर पड़ती है तो इस मन में जो तरंगें बुरी वासनाएं भरी होती हैं उनका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो जाए, इसी वजह से यह मन आपको राम नाम के 125,000 नाम जप करने से रोकता है। दोस्तों जब आप जबरदस्ती दूसरे या तीसरे दिन आप जाप करना निरंतर रखते हो और एक आसन में बैठकर आप जाप करते हो तो आपको 1-1.5 घंटे के बाद आपका शरीर पूरा एक तरह से ठंडा हो जाएगा और आपके शरीर में थोड़ी थोड़ी कपकपी आएगी और आपके शरीर के ऊपर ऊपरी भाग में आपको थोड़ा सा स्पंदन महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सिर के ऊपर चींटियां रेंग रही हैं या फिर कोई ऐसी वस्तु है जो आपके सिर के ऊपर बार बार रेंग रही है और वह आपके सिर को सिर के भीतर यानी अंदर घुसना चाहती है। दोस्तों ये राम नाम मंत्र की बहुत शक्तियां होती हैं, क्योंकि जब आप राम नाम मंत्र का जाप करते तो आपके अंदर उस राम नाम की ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा का यह एहसास आपको होता है। दोस्तों जब आप 5वें या 6वें दिन पर पहुंच जाते हो तो आपको कुछ ऐसे दृष्टि होती है, जैसे आपको कोई ऐसा दृश्य दिखाई देगा जो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा या फिर आपका मन जिस तरफ ज्यादा आकर्षित है वही चीजें आपको बार बार दिखाई देंगी, आपका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा,
दोस्तों आपको वह वहां से उठाने का प्रयास करेगा, बार बार आपको ऐसे प्रेरित करेगा, अपने नेत्र खोलो और आगे देखो क्या हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा कोई आपके पास घूम रहा है। दोस्तों अगर जब आपका राम नाम का जाप चल रहा हो तो भूल कर भी अपने नेत्र ना खोलें, क्योंकि अगर आप राम नाम के जाप में अपने नेत्र खोल देते हो तो इस मन को शक्ति मिल जाती है कि वह आपको किसी दृश्य का लोभन प्रलोभन देकर आपको उस मार्ग से हटा देता है। दोस्तों लगातार अगर आप एक आसन में नहीं बैठ सकते तो आप आसन बदल भी सकते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। जब आपका राम नाम का अंतिम दिन यानी कि 11वां दिन अनुष्ठान का होता है तो आपके अंदर जब आप माला जाप करते हो, जब आपकी 11 माला हो जाती हैं तो आपके अंदर एक अलग सा ही आनंद उमड़ने लगता है और आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है जिससे आपको लगता है कि आप और इसका जाप करें, और आपको अपने आसपास या फिर आपके घर में या फिर जहां भी आप जाते हो तो वहां पर जो लोग होते हैं उनकी बातें वो अच्छी कह रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं या फिर आपके बारे में गलत कर कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, उनका असर आपको कुछ होता ही नहीं है, आपके अंदर एक अलग ही नशा चढ़ जाता है। दोस्तों जब आपका 11 दिन का अनुष्ठान राम नाम जप का 1.25 लाख मंत्र पूर्ण हो जाता है तब आपको सपने के माध्यम से आपका कर्म आपके सामने आ जाता है। जैसे आप दूसरे दिन आपके साथ कोई घटना घटित होने जा रही है जो कि एक बहुत ही गहराई से है या कि वो एक घटना बुरी है, तो उसका चित्रण आपको पहले ही दिखाई दे जाएगा और आपको पहले ही महसूस हो जाएगा कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। या फिर आपको जब आप राम नाम के 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लेंगे तो आप जिस भी जगह पे जाएंगे, जैसे आप किसी सिद्ध साधक के पास जा रहे हैं या फिर जिन्होंने राम नाम के जो उपासक हैं मौजूद हैं, जो आपको चाहिए वो आपको